नमस्कार, आज मुझे पद्मनाड़ पीठ भोज तैयारी करके देखी। पद्मनाड़ को ओडिशा रे मोहनाड़ मृणाड़ बोली कहुए था। साधारणतः ओडिशा दक्षिणांचल यहाँ बहुत भाव में व्यवहार कराए। अनेक प्रकार जिनस सबू कराए। ये खावाक जमी स्वादिया एनेक गुड़े औषधीय गुण रही। आपण मैंने तो पा सींगड़ा पा फल विषय जानते यार स्वाद पखापाखि से भाई हे जेहेतु यहाँ पंक भितर था तेणु एक सफा करने निहाती दरकार। से किसी सादा पा ना तो उषुम पा टे लुण और हलदी देखिए या कि समय पर बतुरे देवे। तापर बाहर चोपा को चांची नापर यह भाव में गोल गोल करके काटे पुणी आउे या भल भाव दुई रु तीन थर पर धोईदे। जमीक पद्मनाड़ भितर जमा भी मईला रही। पुणी आउे या लुण और टे हलदी पा दुई रु तीन मिनिट पर फुटेदे। जेहेतु यहाँ पूरा कलिया अच्छे या बेस समय फुटेबा पड़े। फुटेबा समय देखिए यहाँ जमी अधिक नरम न हो समय फुटीगलापर ताक एमती गोटे जगह को काढ़ी थंडा करदे। तापर आम साधारणतः जमी पिठ भजा कर ठीक से भाई हम से देखो ये मुझे बतुरा चाउल जीरा अदा कंचा लंका को देपर या चिकण कर बाटि नहीं सीझेक रखि पद्मनाड़े देदेव। पद्मनाड़ में जिते भी जिनस हुए ये पिठ भजा खावाक बहुत स्वादिया लगी थाए। तापर नहीं जिनस को देखिकी ए लुण हलदी एवं किसी धनिया पतर को मुझे छोट छोट काटिकी सब जिनस को पूरा भल भाव मिसई नवा। ये पद्मनाड़ पिठ को भाजापी देखो बर्तमान गोटे पैन टे गरम करके से तेल देपर सीझे रखि पद्मनाड़े जो पिठ को गोल रखी एबेद जेहेतु मुझे पूरा कौलिया पद्मनाड़ को नहीं सीझे तेणु या भाजवा समय चूलीर आंच को मीडियम रु हाई फ्लेम रखिकी भाजबे। गोटे पाखलापर या ओल्टईदे आर पाख पूरा सुनेली रंग आसला पर्यंत भाजने। यही भाव में दुई पाख पूरा सुनेली रंग आसला पर्यंत भाजने। आपन को पिठ भजा केमी भल लगे से ही हिसाब से भाजबे। जदि टी नरम पसंद करती ये काढ़ीदे ना आउ टे भल भाव में भाजिकी टे कड़ा करमी खावाक कुरकुड़िया लगे। ये देखते एवं आम पिठ भजा गुड़िकसले बर्तमान आम या चूली काढ़ीद। ये देखो बर्तमान पद्मनाड़े पिठ भजा तागला। पिठ भजा तो खावाक एमती ही बहुत स्वादिया लगे। जदि आपण मानक पद्मनाड़ मिलू थे निश्चित भाव या करूँ ताल आप स्वाद जापरेंगे।